दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है मदरबोर्ड। द मदरबोर्ड इज द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ अ माइक्रो कंप्यूटर। तो देखिए दोस्तों, मदरबोर्ड जो होता है मेन सर्किट बोर्ड होता है एक कंप्यूटर का, ठीक है। मदरबोर्ड से ही सारी चीजें कनेक्टेड होती है, सबसे मेन पार्ट होता है। इसके नाम से आप पता लगा सकते हैं, मदरबोर्ड यानी कि सारे बोर्ड का मदर, यानी कि जितने भी इसमें स्विच लगेंगे, सीपीयू, जीपीयू, रैम, रोम, जितना भी सब चीज लगेगा उन सबका मदर। तो सब कुछ को कनेक्ट करता है मदरबोर्ड, बहुत ही मेन पार्ट होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज द मेन बोर्ड और सिस्टम बोर्ड। और मदरबोर्ड को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि मेन बोर्ड या फिर सिस्टम बोर्ड से। इट इज द सर्किट बोर्ड इन विच ऑल द कंपोनेंट आर कनेक्टेड थ्रू केबल विथ इन अ पर्सनल कंप्यूटर। मदरबोर्ड एक तरह का सर्किट बोर्ड होता है जिसमें सभी तरह के कंपोनेंट जो होते हैं कंप्यूटर के अंदर, वो सब कनेक्टेड होते हैं एक केबल के थ्रू पर्सनल कंप्यूटर में, ठीक है। मेनी डिवाइसेज आर कनेक्टेड विथ मदरबोर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बहुत सारी डिवाइसेज जो होती हैं वो कनेक्टेड होती हैं मदरबोर्ड से, या फिर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, ठीक है। मदरबोर्ड्स यूजुअली प्रोवाइड द इंटरफेस बिटवीन द सीपीयू मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट पेरिफेरल सर्किट। मदरबोर्ड्स जो होती हैं वो ज्यादातर हमको ये प्रोवाइड करती हैं कि वो एक तरह से इंटरफेस प्रोवाइड करती हैं सीपीयू में, मेमोरी में और इनपुट आउटपुट पेरिफेरल सर्किट्स में, ठीक है। उसके अलावा मेन मेमोरी हो गया, उसके अलावा मदरबोर्ड जो होती हैं वो फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं इनिशियल सेटअप के लिए कंप्यूटर का, जैसे ही हम लोग पावर ऑन करते हैं। जैसे मान लीजिए आप अपना सिस्टम बनाएंगे जब, तो उसमें सीपीयू, जीपीयू हर एक चीज़ लगा देंगे, तो उसमें कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा। तो उसके लिए जो इनिशियल सेटअप होता है वो बायोस में जाके करना होता है। तो बायोस सेटिंग में जाके ये सब चीज़ें जो होती हैं मदरबोर्ड की वजह से ही पॉसिबल हो पाती हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक फोटो दिया हुआ है मदरबोर्ड का, मैं आपको इसको लार्ज करके दिखाता हूँ। देखिए ये इस तरह का होता है मदरबोर्ड। इसी के अंदर यहाँ पे जहाँ मेरा कर्सर है, यहाँ पे जो है इसके अंदर जो स्क्वायर है यहाँ पे सीपीयू लगता है, और ये जो चार लाइनें दी हुई हैं इसके अंदर आपका रैम लगता है, यहाँ पे रोम लगता है, इस तरह का यहीं पे जीपीयू लगता है। तो इस तरह का होता है मदरबोर्ड, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे अलग अलग पिन दिए हुए हैं, तो यहाँ से सारा चीजें कनेक्टेड रहती है। ये एकदम ब्लैंक मदरबोर्ड है, इसमें कोई भी वायर वगैरह नहीं यूज हुई है, मगर आपका मदरबोर्ड ऐसे ही दिखता है। अगर आप अभी नया कंप्यूटर लेंगे, मदरबोर्ड खरीदने जाएंगे, कुछ इस तरह का दिखेगा, ठीक है। वॉन न्यूमान आर्किटेक्चर, तो आइए देखते हैं वॉन न्यूमान आर्किटेक्चर क्या होता है। मैथमेटिशियन जॉन वॉन न्यूमान कॉन्क्लूड अ कंप्यूटर आर्किटेक्चर विच फॉर्म द कोर ऑफ नियरली एवरी कंप्यूटर सिस्टम इन यूज टूडे। तो जो एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था जॉन वॉन न्यूमान, उन्होंने एक तरह से कॉन्क्लूड किया एक कंप्यूटर आर्किटेक्चर को, जो कि आज के समय एक कोर बना। आज के समय जितने भी कंप्यूटर हैं उनका एक कोर है, ठीक है। जितने भी टाइप के आपको कंप्यूटर सिस्टम आज मिलेंगे, उनके जो फॉर्म ऑफ कोर है वो इन्हीं की वजह से बना है, ठीक है। दिस आर्किटेक्चर इज नोन एज वॉन न्यूमान आर्किटेक्चर। इस आर्किटेक्चर को जाना जाता है वॉन न्यूमान आर्किटेक्चर के नाम से। इट इज अ डिजाइन मॉडल फॉर द मॉडर्न कंप्यूटर। ये एक डिजाइन मॉडल है सभी मॉडर्न कंप्यूटर्स के, विच हैज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसके अंदर सीपीयू होता है, एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी यूज फॉर स्टोरिंग बोथ डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। और उसके अंदर ऐसा कॉन्सेप्ट होता है कि उसके अंदर मेमोरी जो यूज हो रही है उसमें स्टोर किया जाता हो डाटा और इंस्ट्रक्शन। दिस मॉडल इम्प्लीमेंट द स्टोरेज प्रोग्राम कॉन्सेप्ट इन विच द डाटा एंड द इंस्ट्रक्शन बोथ आर स्टोर इन द मेमोरी। और ये मॉडल इम्प्लीमेंट करता है जो स्टोर्ड प्रोग्राम है उनके कॉन्सेप्ट को, इन विच द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, जिसमें डाटा और इंस्ट्रक्शन दोनों चीजें स्टोर की जाती हैं मेमोरी में, ठीक है। ऑल कंप्यूटर शेयर द सेम बेसिक आर्किटेक्चर। सारे कंप्यूटर जो होते हैं वो सेम बेसिक आर्किटेक्चर जो है शेयर करते हैं, विच है मेमोरी, जिसके अंदर मेमोरी होता है, आईओ सिस्टम होता है, इनपुट आउटपुट सिस्टम, उसके अलावा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है ALU, एंड कंट्रोल यूनिट होता है CU। और ALU और CU को हम लोग दोनों को एक साथ मिला लें तो उसको CPU कहते हैं, ठीक है। यानी कि पूरा यहाँ से लेके जो यहाँ तक है मतलब, इसका मतलब है CPU। इसके यहाँ पे अगर आपको दूसरा शब्द यूज करना है तो CPU यूज कर सकते हैं। तो ये है वॉन न्यूमान आर्किटेक्चर का सिस्टम। तो देखिए यहाँ पे एक बॉक्स की तरह होता है जिसको हम लोग कैबिनेट बोलते हैं, इनपुट डिवाइसेस होती हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रोसेसिंग में कंट्रोल यूनिट होता है, अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट होता है, उसके अंदर भी रजिस्टर, PC, CIR, AC, MAR, MDR और मेमोरी यूनिट होता है, जहाँ पे डाटा स्टोर होता है, उसके बाद आउटपुट हो जाता है। तो ये है वॉन न्यूमान सिस्टम, ठीक है। हमारा अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर आर अवेलेबल इन डिफरेंट साइज, शेप एंड वेट।
जो कंप्यूटर्स हैं वो अवेलेबल हैं डिफरेंट साइज शेप और वेट में। यह कोई आपको 2-2.5 kg का जो है लैपटॉप की बात करें जो कंप्यूटर की ही कैटेगरी में आता है, तो एक लैपटॉप आपको मिलेगा जिसका वेट होगा 2.5 kg के आसपास, और वही जो है लैपटॉप एक और कैटेगरी में मिलेगा जिसका वेट होगा 1 kg के आसपास, 1.5 kg। अलग अलग साइज शेप और उनका वेट भी अलग रहता है। इस तरह के मिलते हैं, जो है नोटबुक्स मिलते हैं, उसके अलावा गेमिंग पीसीस होते हैं, ठीक है, नॉर्मल यूजर के लिए पीसी होते हैं, मिड टावर, हाई टावर, ये इस तरह के पीसी होते हैं। हम लोग आगे देखेंगे कैसे कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं। ड्यू टू दी डिफरेंट साइजेस एंड शेप दे परफॉर्म डिफरेंट सॉर्ट ऑफ जॉब फॉर वन एनदर। और कंप्यूटर के डिफरेंट साइजेस और शेप की वजह से कंप्यूटर जो होते हैं वो परफॉर्म करते हैं डिफरेंट सॉर्ट ऑफ जॉब, यानी कंप्यूटर करते हैं अलग अलग तरह के जॉब एक दूसरे से, मतलब कि अलग अलग कंप्यूटर अलग अलग जॉब के लिए बनाए जाते हैं, यहाँ कहने का यही मतलब है, ठीक है। दे कैन बी क्लासिफाइड इन डिफरेंट वे, कंप्यूटर जो है क्लासिफाई किए जाते हैं अलग अलग तरीके से। ऑल द कंप्यूटर आर डिजाइन बाई क्वालिफाइड कंप्यूटर आर्किटेक्ट्स हु डिजाइन दीज मशीन एज पर डिफरेंट रिक्वायरमेंट। सारे कंप्यूटर होते हैं वो डिजाइन किए जाते हैं एक क्वालिफाइड कंप्यूटर आर्किटेक्ट के द्वारा, जो कि डिजाइन करता है इन मशीनों को उसके डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट के द्वारा, ठीक है। जैसे किसी को गेमिंग करनी है तो उसके अंदर जीपीयू अच्छा लगाएगा, किसी को गेमिंग नहीं करनी है, बेसिक काम करना है उसके अंदर, जबकि जीपीयू नहीं रहेगा तब भी काम चल जाएगा। तो इस तरह के जो है रिक्वायरमेंट होती है लोगों की, उस हिसाब से आपको कंप्यूटर बनाना चाहिए अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। अ कंप्यूटर दैट इज यूज इन होम डिफर इन साइज एंड शेप फ्रॉम कंप्यूटर बिंग यूज इन हॉस्पिटल। तो एक कंप्यूटर जो कि घर में यूज होता है वो उसका साइज जो है डिफरेंट होगा, उसका शेप और साइज डिफरेंट होगा दूसरे कंप्यूटर से जो कि हॉस्पिटल वगैरह में यूज हो रहा है। तो एक हॉस्पिटल कंप्यूटर अलग होगा और घर में यूज करने वाला कंप्यूटर अलग होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक हॉस्पिटल का कंप्यूटर यहाँ पे दिया हुआ है, ये है US वगैरह के हॉस्पिटल है, वहाँ पे देखिए हाईटेक टेक्नोलॉजी यूज होती है। तो आप लोग देख सकते हैं किस तरह का यहाँ पे इसका स्क्रीन है, और यहाँ पे देखिए हाईटेक सॉफ्टवेयर चलते हैं जो कि हम लोग नॉर्मल डे टू डे लाइफ में नहीं यूज कर सकते। और यहाँ पे बहुत सारे जो भी रिजल्ट आते हैं, मशीनें होती हैं बड़ी बड़ी, उनके प्रोग्राम अलग अलग स्पेशलाइज होते हैं सिर्फ डॉक्टरों को यूज करने के लिए, जो बनाती हैं अलग अलग सॉफ्टवेयर कंपनियां। तो इस तरह का देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरह का आपने कभी किसी घर पे नहीं देखा होगा कंप्यूटर, आपका घर कंप्यूटर एकदम नॉर्मल सा कंप्यूटर रहता है, ठीक है। फॉलोइंग सेक्शन आर गोइंग टू डिस्क्राइब डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। आगे आने वाले फॉलोइंग सेक्शन जो है वो डिस्क्राइब करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में। द टर्म कैपेसिटी रिफर टू द वॉल्यूम ऑफ वर्क और द डाटा प्रोसेसिंग कैपेसिटी अ कंप्यूटर कैन हैंडल। तो कैपेसिटी जो टर्म है इसको रिफर किया जाता है कि क्या वॉल्यूम ऑफ वर्क, यानी क्या वॉल्यूम से काम कर सकेगा या फिर डाटा प्रोसेस कर सकेगा कंप्यूटर की कैपेसिटी, मतलब कि कंप्यूटर की कैपेसिटी कितनी है कि वो डाटा कितना हैंडल कर सकता है, ठीक है। देयर परफॉर्मेंस इज जज्ड बाय द कंप्यूटर के परफॉर्मेंस जज किए जाते हैं। सबसे पहला है अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी स्टोर इन मेमोरी, मतलब कि कितना अमाउंट का डाटा कंप्यूटर के अंदर स्टोर किया जा सकता है उसके मेमोरी में। स्पीड ऑफ इंटरनल ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, स्पीड क्या होगी अगर इंटरनली जो ऑपरेशन हो रहा है कंप्यूटर के अंदर उसकी, जो है किसी की स्पीड अगर ज्यादा होगी और किसी की स्लो होगी तो जो ज्यादा स्पीड है वो ज्यादा बेहतर रहेगा। नंबर एंड टाइप ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस, कितने नंबर के और टाइप के पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं उसके बेस पे। अमाउंट एंड टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर अवेलेबल फॉर यूज विद द कंप्यूटर, और कितने अमाउंट या टाइप के सॉफ्टवेयर जो है अवेलेबल है कंप्यूटर के यूज के लिए। द कैपेसिटी ऑफ अर्ली जनरेशन कंप्यूटर वर डिटरमाइंड बाई देयर फिजिकल साइज, द लार्जर द साइज द ग्रेटर द वॉल्यूम। तो जो कैपेसिटी होती है पहले के जनरेशन की कंप्यूटर की वो डिटरमाइन की जाती थी, यानी कि पहचानी जाती थी उनके फिजिकल साइज से, यानी कि उनके फिजिकली वो कैसा दिखता है इस बेस पे डिटरमाइन की जाती थी कि उसकी साइज क्या होगी। जैसे कि जितना बड़ा साइज होगा उतना ज्यादा उसका वॉल्यूम होगा। इन कंप्यूटर टर्म्स साइज एंड स्पीड ऑफ ऑपरेशन आर एट प्रेजेंट प्रोपोर्शनेट टू ईच अदर, और कंप्यूटर के टर्म में साइज और स्पीड जो होती है ऑपरेशन की वो प्रेजेंट प्रोपोर्शनेट है एक दूसरे से, ठीक है। जनरली दो रिसेंट टेक्नोलॉजी इज टेंडिंग टू क्रिएट स्मॉलर मशीन मेकिंग इट पॉसिबल टू पैकेज इक्विवेलेंट स्पीड एंड कैपेसिटी इन अ स्मॉलर फॉर्मेट। जनरली लेकिन आज के रिसेंट टेक्नोलॉजी के टाइम में ये मैं कि पॉसिबल है कि जो स्मॉलर साइज में ही, जैसे कि कोई साइज कंप्यूटर का बड़ा है और उसको कॉम्पैक्ट साइज में करना पॉसिबल है और इक्विवेलेंट परफॉर्मेंस और स्पीड भी लेना पॉसिबल है, क्योंकि तो आज के टाइम पे बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट और टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है माइक्रो कंप्यूटर्स के बारे में।
तो ये देखते हैं माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं। द मास प्रोडक्शन ऑफ सिलिकॉन चिप्स सिंस 1971 हैज मेड इट पॉसिबल टू पुट अ ब्रेन इनटू ऑल सॉर्ट ऑफ मशीन। तो जो मास प्रोडक्शन है सिलिकॉन चिप्स का 1971 में जो शुरू हुआ था, उसकी वजह से पॉसिबल हो पाया कि एक ब्रेन को ऑल सॉर्ट ऑफ मशीन में फिट करना। ठीक है, वन सच मशीन इज माइक्रो कंप्यूटर, और इस तरह की एक मशीन को हम लोग माइक्रो कंप्यूटर भी कहते हैं। दिस मशीन हैज टेकन फुलिएस्ट एडवांटेज ऑफ द यूज ऑफ लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ऑन सिलिकॉन चिप, और ये मशीन ने पूरा एडवांटेज लिया हुआ है यूज करना लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सिलिकॉन चिप्स का। द माइक्रो प्रोसेसर लिटरली कंटेन अ कंप्यूटर ऑन अ चिप दैट कैन पास थ्रू द आई ऑफ नीडल। और माइक्रो प्रोसेसर आज के समय लिटरली कंटेन करता है कंप्यूटर एक चिप के अंदर, जो कि पास कर सकता है एक आई ऑफ नीडल के थ्रू। माइक्रो कंप्यूटर मेमोरीज आर जनरली मेड ऑफ सेमी कंडक्टर फैब्रिकेटेड ऑन सिलिकॉन चिप। माइक्रो कंप्यूटर मेमोरी जो होती है वो जनरली बनी होती है सेमी कंडक्टर फैब्रिकेटेड, जो कि बना होता है सिलिकॉन चिप्स। ठीक है, इट इज अ डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम अंडर द कंट्रोल ऑफ अ स्टोर्ड प्रोग्राम दैट यूजेस अ माइक्रो प्रोसेसर अ प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी रोम एंड अ रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो एक जो डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम होता है वो अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टोर प्रोग्राम, जो स्टोर प्रोग्राम के कंट्रोल के अंडर होता है, दैट यूजेस जो कि यूज करता है माइक्रो प्रोसेसर एक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जिसको हम लोग रोम बोलते हैं एंड रैम जिसको हम लोग रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। द रोम डिफाइन द इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर व्हाइल रैम इज द फंक्शनल इक्विवेलेंट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। तो रोम जो है वो डिफाइन करता है इंस्ट्रक्शन जो भी एग्जीक्यूट किए जाएंगे कंप्यूटर को, जबकि जो रैम होता है वो फंक्शन करता है इक्विवेलेंट कंप्यूटर मेमोरी के। टुडे माइक्रो प्रोसेसर आर कॉल्ड एज पर्सनल कंप्यूटर मोर कॉमनली एज PCS। आज के समय में जो माइक्रो कंप्यूटर है वो उनको बोला जाता है पर्सनल कंप्यूटर, ज्यादा कॉमनली उनको PCS बोला जाता है। ठीक है, दीज आर स्मॉल रिलेटिवली इन एक्सपेंसिव कंप्यूटर डिजाइन फॉर पर्सनल यूज एंड होम और ऑफिस। यहाँ पे कुछ स्मॉल यानी छोटे रिलेटिवली इन एक्सपेंसिव मतलब कम एक्सपेंसिव यानी कि अफोर्डेबल रेट में कंप्यूटर डिजाइन किए गए हैं पर्सनल यूज के लिए घर पे या फिर ऑफिस में। तो देखिए यहाँ पे एक छोटा सा कंप्यूटर है जिसको हम लोग रसबेरी पाई बोलते हैं, ये पूरा कंप्यूटर है। इसके अलावा आपको सिर्फ एक मॉनिटर की जरूरत है और कीबोर्ड माउस की, और आप इसको चला सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये CPU लगा हुआ है और इसमें रैम भी लगा हुआ है। ठीक है, 2, 4, 8 GB तक रैम इसमें रहता है। HDMI पोर्ट है, माइक्रो HDMI जो कि 4K तक सपोर्ट करता है। USB-C सप्लाई है यहाँ से। ठीक है, उसके अलावा USB हब है, गीगाबिट है, आपको अगर वो लेना है लाइन के थ्रू इंटरनेट। और ये पूरा कंप्यूटर है, आपको बस इसमें कीबोर्ड माउस लगाना है और यूज करना है। सोचिए कितना छोटा है, और ये आप बिल्कुल एकदम हथेली पर रख सकते हैं, इतना छोटा होता है। यहाँ पे उसी का एग्जांपल दिया हुआ है, देखिए इसका एक रेट है मैं आपको दिखा दूँ तो। देखिए ये 6,499 रुपए में मिल रहा है, जिसके साथ आपको एक 10 इंच की स्क्रीन मिल रही है। इसमें आपको बस कीबोर्ड और माउस लगाना है और आप यूज कर सकते हैं। यही चीज है जो मैंने यहाँ पे दिखाया है, तो यही चीज है यहाँ पे। देखिए ये लगा हुआ है, इसको बस आप मॉनिटर से कनेक्ट कर दीजिए और एक कीबोर्ड माउस लगा लीजिए, हो गया, आप चला सकते हैं, पूरा कंप्यूटर हो गया। और इसमें भी बेसिक काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि यूजलेस होता है, लेकिन हाँ मैं भी उतने पावरफुल नहीं होते, बहुत ही बेसिक काम हो सकता है, थोड़ा भी हैवी काम वगैरह आप इसमें नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आपको इसमें वीडियो एडिटिंग करनी है या गेमिंग करनी है तो वो सब नहीं हो पाएगा। नॉर्मल ऑफिस का काम है, MS ऑफिस वगैरह चलाना है, वेब ब्राउजिंग करना है, मूवी वगैरह देखना है, उसके लिए बढ़िया रहता है। हमारा अगला टॉपिक है मिनी कंप्यूटर्स। आइए देखते हैं मिनी कंप्यूटर्स क्या होते हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांटेजेस इन द 1960s इनेबल्ड मैन्युफैक्चरर टू रिस्पॉन्ड टू द ग्रोइंग डिमांड फॉर अ स्मॉलर स्टैंड अलोन मशीन। तो जो टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज हमको मिल गए थे 1960 में ही, उसकी वजह से मैन्युफैक्चरर को ये मतलब मौका मिल गया कि वो रिस्पॉन्ड कर सके ग्रोइंग जो डिमांड हो रही है, ग्रो हो रही है स्मॉलर स्टैंड अलोन मशीन की, मतलब छोटी कॉम्पैक्ट साइज की मशीन की। द मिनी कंप्यूटर टू हैंडल टास्क द लार्ज कंप्यूटर कुड नॉट परफॉर्म इकोनॉमिकली। तो यहाँ पे ये मतलब है कि जिसके पास मैं भी उतना मैं भी बजट नहीं है, उतना पैसा नहीं है, सभी लोग क्योंकि एक
लार्ज कंप्यूटर नहीं खरीद सकती, उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है और मैं 4 लाख 5 लाख रुपए लग जाते हैं एकदम पावरफुल कंप्यूटर बनाने में। तो इस वजह से मिनी कंप्यूटर को बनाया गया है ताकि जो लोग उसको नहीं खरीद सकते वो मिनी कंप्यूटर खरीद के अपना काम निकाल सकें। ठीक है, मिनी कंप्यूटर सिस्टम और स्मॉल मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर सिस्टम या फिर जिसको हम लोग स्मॉल मेन फ्रेम कंप्यूटर कहते हैं, प्रोवाइड फास्टर ऑपरेटिंग स्पीड एंड लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी देन माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम। और मिनी कंप्यूटर सिस्टम जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं हमको फास्टर मतलब तेज ऑपरेटिंग स्पीड, काम करने की स्पीड, ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी अगर आप कंपेयर करेंगे तो माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम है जो कि हमने अभी पढ़ा था। तो ये जो माइक्रो कंप्यूटर है इससे तेज स्पीड प्रोवाइड करते हैं, इससे ज़्यादा इनमें ऑपरेटिंग स्पीड होती है, लार्जर स्टोरेज होता है मिनी कंप्यूटर का। दिस कंप्यूटर कैन सपोर्ट अ लार्ज नंबर ऑफ हाई स्पीड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। जो मिनी कंप्यूटर होते हैं वो सपोर्ट कर सकते हैं एक लार्ज नंबर हाई स्पीड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को। सेवरल डिस्क ड्राइव कैन बी यूज टू प्रोवाइड ऑनलाइन एक्सेस टू लार्ज डाटा फाइल एज रिक्वायर्ड फॉर डायरेक्ट एक्सेस प्रोसेसिंग। मतलब कि अलग अलग ड्राइव यूज किए जा सकते हैं ऑनलाइन एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए लार्ज डाटा फाइल्स को, जिसके लिए रिक्वायर्ड होता है डायरेक्ट एक्सेस प्रोसेसिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड फॉर मिनी कंप्यूटर सिस्टम जनरली सपोर्ट बोथ मल्टी प्रोग्रामिंग एंड वर्चुअल स्टोरेज। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया गया है मिनी कंप्यूटर सिस्टम के लिए वो जनरली सपोर्ट करता है दोनों मल्टी प्रोग्रामिंग और वर्चुअल स्टोरेज को। दिस मीन्स दैट मिनी प्रोग्राम कैन बी रन को करेंटली, मतलब कि ज़्यादा प्रोग्राम रन कर सकते हैं एक साथ ही। दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज वेरी फ्लेक्सीबल एंड कैन बी इम्प्रोवाइज टू मीट द नीड ऑफ यूजर। मतलब कि इस टाइप का कंप्यूटर सिस्टम जो है बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है और इम्प्रोवाइज करता है उस मीट को जो कि यूजर्स को है। ऑल्दो द मिनी कंप्यूटर इज नॉट एज पावरफुल एज मीडियम और लार्ज साइज कंप्यूटर, इट इज क्वाइट क्लोज। लेकिन मिनी कंप्यूटर जो है वो उतने पावरफुल नहीं है जितने कि मीडियम या फिर लार्ज साइज कंप्यूटर होते हैं, लेकिन मिनी कंप्यूटर बहुत ही क्लोज है मीडियम और लार्ज साइज कंप्यूटर्स के। हाँ उतना नहीं है लेकिन आप कह सकते हैं कि आसपास है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं मिनी कंप्यूटर्स के, जैसे कि यहाँ पे देखिए विंडोज में अगर आपको मैं बताऊँ तो ये इंटेल बेस पे एक मिनी कंप्यूटर है। ये एक बॉक्स की तरह होता है, कुछ इतना बड़ा बॉक्स होता है और इसके अंदर पूरा सीपीयू जीपीयू रहता है। इसमें भी आप जैसे कि हम लोगों ने देखा था इसमें है माइक्रो में कि बस आपको मॉनिटर और कीबोर्ड माउस लगाना है, उसी तरह इसमें भी आप बस कीबोर्ड माउस यहाँ पे लगा दीजिए और इसको यूज करिए। इसमें सीपीयू जीपीयू हर एक चीज स्टोरेज स्टोरेज सब भरा रहता है। उसके अलावा आपको अगर एडिशनल लगाना है तो यहाँ पे पोर्ट भी दिए हुए हैं, इसमें आप हार्ड ड्राइव कनेक्ट कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड माउस के लिए इसमें लगा सकते हैं। और कुछ कनेक्ट करना है हेडफोन तो हम देखिए हेडफोन का दिया हुआ है, तो इस तरह का रहता है। इसको बस पावर ऑन कर दीजिए और यूज करिए, ये है विंडोज के लिए। उसके अलावा यहाँ पे देखिए एक सेटअप भी है मिनी कंप्यूटर का, यहाँ पे एप्पल का यूज हुआ है, एप्पल वाले भी बनाते हैं, मैक मिनी नाम से इनका आता है, आप गूगल पर सर्च करेंगे मिल जाएगा। तो इसमें देखिए कीबोर्ड माउस आप लगा दीजिए, ये है माउस, ये कीबोर्ड, और यहाँ पे स्पीकर लगा दीजिए आपको अगर सुनना है तो, और इसके अंदर सारा सिस्टम है। और इतना बड़ा आपको टावर बनाने की नहीं जरूरत है जैसे कि कंप्यूटर पूरा फुल सिस्टम होता है, जो कि मैं आपको अभी आगे आने वाले टाइम में दिखाऊंगा, बस अगला ही टॉपिक है। तो बस इस छोटे से पॉकेट में और पावरफुल भी होते हैं, ज़्यादातर काम ये कार्ड निकाल देते हैं।